अयोध्या नगरी में बढ़ते संक्रमण को लेकर राम जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान मंदिर के संतों द्वारा ही नित्य क्रम के अनुसार पूजा अर्चना व आरती की जाएगी। अयोध्या में रामनवमी मेले को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोविड-19 से बचाव को लेकर तैयारी कर ली है। अयोध्या धाम में किसी प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ न हो सके, इसके लिए अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही अयोध्या की संतों ने भी मठ मंदिरों को श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए बंद कर दिया। रामनवमी पर होने वाली भीड़ को देखते हुए प्रमुख मंदिर नकेश्वरनाथ, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, छोटी देव काली मंदिर सहित अन्य मंदिरों को भी बंद कर दिया गया। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अयोध्या हनुमानगढ़ी महान राजू दास ने मंगलवार व रामनवमी उत्सव को घर पर ही रहकर पूजा पाठ करते हुए मनाने की जनता से अपील की। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मठ मंदिरों में सिर्फ परंपरागत रूप से मनाया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु या कोई भक्त शामिल नहीं हो सकेगा। साथ ही श्रद्धालु से अपील की गई कि लोग अपने घरों में रहकर ही भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाएं और पूजा अर्चना करें। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रखें एवं घरों में परिवार के साथ ही पूजा पाठ व आराधना करें। मंदिरों में एकत्रित न हो, इस कोरोना की लड़ाई में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। ऐसे में अयोध्या के संत भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय प्रेस नोट के द्वारा जानकारी दी कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्रभु श्री राम की सेवा नित्य की भांति तथा जन्मोत्सव परंपरागत रूप से मुख्य पुजारी जी के मार्गदर्शन में मनाया जाएगा। स्थानीय अथवा बाहर से दर्शन हेतु आने वाले भक्तों का प्रवेश बंद रहेगा। कोरोना महामारी की नित्य बढ़ती गंभीरता, संक्रमण का खतरा, मृत्यु दर में वृद्धि, अस्पतालों में स्थान व चिकित्सा संसाधनों के अभाव में समाचारों को समझते हुए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन करने में स्वयं ही भलाई है। पूजा पाठ व्रत उपवास घर में रहकर किए जा सकते हैं। रामलला के मुख्य पुजारी जैसे परंपरागत तरीके से जन्मोत्सव सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर से मैं महंत राजूदास आज पंचों एवं प्रशासन के द्वारा गहन अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया गया। कोविड-19 संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, बढ़ रहा है, जिसके नाते मंदिर प्रशासन के लोग एवं प्रशासन के लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया कि आज भोग लगने के बाद 12 बजे के बाद से आज से आम जनमानस के लिए, भक्तों के लिए मंदिर प्रवेश वर्जित। आम जनमानस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके नाते भक्तों से मेरा अपील है, निवेदन है कि आप लोग अपने अपने घरों में ही उत्सव मनाएं, राम जन्म उत्सव। एवं कल मंगलवार है, मंगलवार को यहां पर लाखों भक्त दर्शन और पूजन करते हैं। इसके नाते कल मैं भक्तों से निवेदन करूंगा, जो भी भक्त हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन के लिए आते थे वो ना आए, और जो डेली दर्शन करने वाले भक्त हैं उनसे भी करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि वो भी भक्त अब मंदिर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, मंदिर में नहीं आ पाएंगे। इसके नाते उनसे अपील है कि वो लोग दर्शन के लिए ना आए और मंदिर रोज की भांति लगातार जो सेवा पूजा चलता है वो चलता रहेगा। मंदिर में किसी भी प्रकार के सेवा पूजा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा, यह प्रशासन शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है।